Hi everyone, this is Mayank Kotaria and today I'm going to give you some update on the intermediate FM and Eco classes. So financial management and economics ki classes agar aapne li hogi to in classes ke bare mein main aapko bata deta hu. Economics ki classes aapke paas mein puri available hai online. Acha update kya hai sir? Pehle to apan step by step chalenge. Sabse pehle FM Eco jo hai isme do mode hote hain. Pen drive aur aapka Google Drive ya online bol sakta hu main, theek hai? ऑनलाइन भी नहीं बोलूँगा अब मैं उसको गूगल ड्राइव ही बोलूँगा. अब पेन ड्राइव अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि एफएम के सारे लेक्चर्स अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए, सारे चैप्टर्स रिकॉर्ड नहीं हुए हैं. सो एक एक चैप्टर के लिए पेन ड्राइव भेजना इज़ नॉट अ फिजिबल थिंग. सो दैट्स वाई द ओनली मोड दैट इज़ अवेलेबल एट प्रेजेंट इज़ गूगल ड्राइव. सो काफ़ी सारे बच्चों ने, आप लोगों ने अगर लिया होगा तो आपके पास में गूगल ड्राइव के थ्रू आप डाउनलोड करते हैं. जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने नहीं लिया है वो गूगल ड्राइव ऑप्शन के थ्रू ही अभी खरीद पाएंगे. सो आपको डाउनलोड करना है एंड देन यू कैन वॉच. इट्स नॉट अ बिग डील, आपको 20 GB 30 GB डाउनलोड करना नहीं पड़ता. आपको हार्डली, जैसे लेक्चर वाइज आप डाउनलोड करते जाओगे वैसे भी चलेगा. तो कभी आपको 500 MB, कभी 1 GB, कभी 600 MB ऐसे डाउनलोड कर करके आप कंप्लीट कर सकते हो. आपके पास में डेटा है काफ़ी ज़्यादा तो आप एक साथ डाउनलोड कर लो. सो गूगल ड्राइव मोड में काफ़ी सारे बच्चों ने खरीदा हुआ है. अब जो बच्चों ने खरीदा था उसमें से किसी ने FM खरीदा होगा, किसी ने इको खरीदा होगा और किसी ने दोनों खरीदा होगा. किसी ने एफएम खरीदा होगा, किसी ने इको खरीदा होगा और किसी ने दोनों खरीदा होगा. सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ. इकोनॉमिक्स जिन्होंने भी खरीदा उनके लिए 100% कंटेंट अवेलेबल है. और उनको जिन्होंने भी खरीदा होगा उन्होंने सारे लेक्चर्स, उनके पास में सारे लेक्चर्स अवेलेबल होने चाहिए. अगर आपके पास में कहीं पे भी आपको लगता है कि आपके पास में इनकी लिंक नहीं आई है तो आप कमेंट करें, मैं आपका आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा और आप तक वो चीज़ पहुंचा दूंगा. सिर्फ इसमें एक चीज़ नहीं है अभी, तो वो है सर हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स. ये हार्ड कॉपी जो है बुक्स की, अभी तक मैं सारी की सारी जो बुक्स देता, मतलब इसमें नोट्स देता आया हूँ, सारा मैंने जो क्लास में कराया वो सॉफ्ट कॉपी में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. तो वो ऑनलाइन बांटा गया, उसी से काम चल रहा है अपना अच्छा खासा. अब हार्ड कॉपी जो है, हार्ड कॉपी इज़ द नीड, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बाद में अपन को पढ़ना हार्ड कॉपी से पड़ता है. बच्चे अभी प्रिंट आउट लेके कर रहे हैं. सो हार्ड कॉपी के लिए सर मैं तकरीबन बोलता हूँ आपको 2 से 3 महीने में, 2 महीने नहीं, मार्च एंड तक इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी. सो हार्ड कॉपी उसके बाद में आपको मिलना शुरू हो जाएगी. तो लेकिन ये हार्ड कॉपी जो है, मतलब जिन्होंने लेक्चर्स लिए क्योंकि प्राइस कम है तो हार्ड कॉपी वगैरह के प्राइसेस उसमें इंक्लूडेड नहीं है. सो अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर है उसके बाद में है तो यू विल हैव टू सेपरेटली परचेज इट. लेकिन जो मार्च के बाद लेंगे लेक्चर्स उनको शायद हार्ड कॉपी साथ में ही आएंगे. तो वेबसाइट पे जब भी आप ऑर्डर कर रहे हो तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि हाँ ठीक है, इसमें हार्ड कॉपी इंक्लूडेड है कि सॉफ्ट कॉपी इंक्लूडेड है. इसके लेक्चर्स सारे अवेलेबल है, अगर आप खरीदना चाहो तो आप यू कैन गो विद दैट इकोनॉमिक्स. FM की बात कर देता हूँ. FM अगर आप कहाँ खरीदना आखिर में बताऊँगा. FM अगर आपने खरीदा होगा या FM Eco आपने खरीदा होगा तो FM में चैप्टर नंबर फोर, इतने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये अवेलेबल है. आप जिस दिन खरीदोगे उस दिन से आप देखना शुरू कर दोगे. चैप्टर नंबर 2 थेरी है तो ये आखिरी में देने वाला हूँ मैं. चैप्टर नंबर 5 70% हो चुका है, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है अभी. सो ये 2-3 दिन में हो जाएगा और ये आप लोगों को मिल जाएगा गूगल ड्राइव में. सो आप लोगों ने अगर खरीद कर रखा है चैप्टर नंबर 5, आई होप आपने देखना शुरू कर दिया होगा. नहीं किया, आपको लग रहा है कि अभी तक चार ही चैप्टर आया है, तो गो टू दैट लिंक और डाउनलोड करके चालू कर दो देखना. अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ 2, 6 और आगे के सारे चैप्टर जो है, सॉरी 2, 6 आगे के सारे चैप्टर जो है, ये आपको 6वां चैप्टर जैन एंड में अवेलेबल होगा. उसके बाद फेब में कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ. फेब में आई एम गेटिंग मैरिड, तो उसी के काम और फिर इधर उधर का सब कुछ में टाइम चले जाना है, रीति रिवाज, यू नो. फिर आती है बात मार्च से. सो मार्च से मैं फुल ऑन वापस रिकॉर्डिंग पर रहूँगा इंटर FM की, और मार्च में आपका सारा कॉन्टेंट रेडी हो जाएगा. मार्च में सारा कॉन्टेंट रेडी हो जाएगा और मार्च में सारा का सारा ख़त्म भी हो जाएगा. मैक्सिमम एक आध चैप्टर बचेगा जो शायद अप्रैल तक जा सकता है, या अप्रैल मतलब बिगिनिंग तक, 5 से 7 दिन 10 दिन मैक्सिमम. एंड द गुड पार्ट इज जून में एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे, अगर वो डिपेंड करता है इलेक्शन की डेट्स पे. सो दिस विल बी अ गुड थिंग फॉर यू. किसी चीज़ के लिए वेट मत करना, साथ साथ में चलने दो. जैसे ही आप लेक्चर खत्म करोगे वैसे ही आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि होमवर्क और ये सब मैं साथ साथ में करवाते जा रहा हूँ. सो दिस इज़ इट. सॉफ्ट कॉपी नोट्स की, FM की भी साथ साथ में आपको मिलती जाएगी.
FMEECO का मैंने ग्रुप बनाया टेलीग्राम पे, अगर आप उस ग्रुप में नहीं हैं, आपने लेक्चर्स खरीदे, और अगर आप उस ग्रुप में नहीं हैं तो यू कैन मेल मी, सॉरी व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएप भी मत करो यार, मेल कर दो। मेल कहाँ करोगे? mayank.kothari@conferenza.in। इस पे अगर आप मेल कर दोगे ना तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो भले ही आपने लेक्चर्स खरीदे हो नहीं खरीदे हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बेनिफिट होएगा। और तो क्या है सर, साथ साथ में फ़ायदा होता है तो दिक्कत क्या है, एक्स्ट्रा एफर्ट तो होते नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं FMEECO की। FMEECO का सारा सिलेबस कवर हो रहा है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से जा रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं, जितने भी RTP, MTP या फिर ऐसे आए हैं। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में 44 क्वेश्चंस है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी 70 अराउंड क्वेश्चंस कुछ तो ऐसे हैं। तो उसमें से 50% मैं होमवर्क देता हूँ जो रिपीटेड होते हैं, और 50% आपको अवेलेबल क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखना है सर, आपने भी जब आप अगर आप ऑलरेडी लेक्चर्स देख रहे हैं तो ये मेरा मेरा एक मैसेज है आप लोगों तक कि आप जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं उसमें आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। जब भी कॉन्सेप्चुअल कुछ पढ़ा रहा हूँ तो उस पर ध्यान देना है, क्योंकि उसी से कनेक्टेड आगे के चार क्वेश्चन रहेंगे। वो नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। फॉर्मूला रटना मत, क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पीछे वाले तरीके से भी पूछ सकता है। सो फॉर्मूले से अगर ये आंसर आता है तो क्वेश्चन में आंसर दिया जाएगा और आपको इसकी कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंटायर थिंग। बार बार रिवाइज करो, यू विल गेट द आइडिया। और इकोनॉमिक्स वालों के लिए मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सारे के सारे रिविजन वीडियोज़, भले स्टूडेंट है नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो सर्च करके, या आप नीरज सर के चैनल पे भी देख सकते हो, नीरज अरोरा सर, उन्होंने भी डाल के रखा है। अगर अब आपको लेक्चर्स ख़रीदने हैं, अगर आप ये बोलते हैं कि सर हमको लेक्चर्स ख़रीदने हैं FMEECO के, तो कहाँ से ख़रीदे? सर आप लेक्चर्स ख़रीद सकते हैं CAConnect.in से। सो यू विल हैव टू गो टू दैट वेबसाइट। कहाँ गया सर? तो आप अगर CAConnect.in वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीरज सर के लेक्चर्स के साथ में मेरे लेक्चर मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दो कोर्सेस अवेलेबल है, ऑनलाइन FM एंड इकोनॉमिक्स, और ऑनलाइन FM ओनली। इसके बाद ऑनलाइन इकोनॉमिक्स इधर है, यानी तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जहाँ से भी FM खरीदे, ECO भी वहीं से खरीदना। दो अलग अलग टीचर से पढ़ोगे तो दिक्कत जाएगी। सो इट्स बेटर या आप FMEECO एक साथ खरीदें, यहाँ से हो या किसी भी और टीचर से, दैट इज़ अ जेन्युइन सजेशन। और आप किसी भी टीचर से पूछेंगे, दोस्तों से भी पूछेंगे, तो दे विल गिव यू द सेम सजेशन। सो चेंज मत करना। सो दिस इज़ वॉट बेसिकली द अपडेट अबाउट द CA इंटर FM एंड ECO दैट आई वॉन्टेड टू गिव अ मैसेज टू द स्टूडेंट्स एंड नॉन स्टूडेंट्स ऑल्सो। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्साइटेड। वी आर गोइंग टू कम अप विथ मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स इन फ्यूचर। बाय बाय।